What's up everybody? Okay, back to normal. Ladies and gentlemen, boys and girls, मैं हूँ सागर और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल सागर द व्लॉगर। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बहुत पहले जनवरी 2021 मतलब 5 महीना पहले 5 तारीख को मैंने एक नया मोबाइल लेने का डिसीजन लिया था। एक्चुअली मैं मार्च में नया एक मोबाइल लेने वाला था, लेकिन क्या हुआ, जनवरी में मेरा ये जो मोबाइल है सैमसंग का C9 Pro, ये बहुत स्लो हो रहा था और बहुत हैंग हो रहा था। तो मुझे नए मोबाइल की ज़रूरत थी, तो मैंने बहुत सोचा कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है और मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। तो मैंने पिछले 9 साल से मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली 8 साल से। उससे पहले मैं नोकिया यूज़ करता था, सैमसंग यूज़ करता था, लेकिन वो एंड्रॉयड नहीं था। तो 8 और 9 साल से कंटिन्यूसली मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा था, लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, दूसरी वीडियो उसमें 4K रिकॉर्ड होता होगा, क्योंकि मेरी अभी आगे आने वाली जो रिक्वायरमेंट्स है वो एकदम थोड़ी हेवी वीडियोग्राफी की है, जैसे कि 4K 60 फ्रेम या स्लोमो हो, जैसे कि मैं सिनेमैटिक वीडियो से रिकॉर्ड कर सकूं। और ये कुछ मेरी बेसिक नीड थी। और मुझे वाटरप्रूफ भी चाहिए था, वाटर रेसिस्टेंट। मेरे मन में एक ऑप्शन था वन प्लस का नॉर्ड और दूसरा एक था आईफोन 7 प्लस। मेरे बजट के हिसाब से आईफोन 7 प्लस था कुछ 35,000 का और वन प्लस नॉर्ड था 29,900 मतलब 30,000 का। तो अराउंड मेरा 30,000 to 35,000 बजट था। तो इसी बजट में मुझे एक मोबाइल लेना था, तो मैं एक्चुअली मार्च में लेने वाला था, क्योंकि इस मोबाइल को मार्च में मुझे 3 साल कंप्लीट होने वाले थे और मुझे ये मोबाइल 3 साल तक यूज़ करना था। क्योंकि 3 साल मैंने सोचा था, जब ये मोबाइल लिया था मैंने 30,000 का, तब मैंने सोचा था कि ये मोबाइल मैं 3 साल यूज़ करूँगा, 3 साल तक मैं कोई मोबाइल चेंज नहीं करूँगा। तो ये मोबाइल बहुत हैंग हो रहा था सैमसंग का। इसमें है 6GB रैम और 64 इंटरनल स्टोरेज, और एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए मैं 128GB का इसमें मेमोरी कार्ड यूज़ करता था, लेकिन फिर भी ये 3 साल के बाद बहुत स्लो हो रहा था। व्हाट्सएप ओपन होने के लिए बहुत टाइम लेता था और बाकी चीज़ें करने के लिए भी बहुत मुझे इससे लैग फील होता था। और एक ज़रूरी चीज़, इसके फ्रंट कैमरा के अंदर डस्ट चला गया है और इसका जो माइक जैक है वो भी सही से काम नहीं कर रहा था। और जब ये माइक जैक रिपेयरिंग करी लिए मैंने मोबाइल दे दिया, तब इसका ये कैमरा का इशू स्टार्ट हो गया। तो मुझे मोबाइल लेना था एक अच्छा, जिसमें कि वाटर रेसिस्टेंट हो और अच्छी कैमरा क्वालिटी हो और स्टोरेज भी अच्छा और परफॉर्मेंस भी अच्छा हो। ये 2-3 चीज़ें मेरी बेसिक नीड्स थी और उसी के चलते मैंने एक नया मोबाइल लेने की सोची। वो मोबाइल मैंने आईफोन 7 प्लस सोचा था, लेकिन सडनली ऐसी न्यूज़ आई कि आईफोन 12 भी आ रहा है और उसी के चलते आईफोन 7 का प्रोडक्शन बंद हो गया और वो अमेजोन से हट गया। एक्चुअली मैं अमेजोन से लेने वाला था क्रेडिट कार्ड पे, तो वो भी मेरा ऑप्शन बंद हो गया। और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं लूँगा आईफोन 11 प्लस। लेकिन आईफोन 11 प्लस के लिए उस समय मेरा बजट नहीं था। उसने सोचा और डिस्कस किया मेरे साथ प्रीति, हम दोनों ने डिस्कस किया। तो प्रीति बोली, अगर आपको लेना ही है, अगर लेना ही है तो फिर एक बार का आईफोन ही ले लो। हाँ, तो आपको लेना ही है इन फ्यूचर और आपके नीड्स के हिसाब से, तो आप आईफोन ही ले लो। तो हमने ले लिया है आईफोन। तो चलो, मैं ऑलरेडी इसको खोल चुका हूँ, फिर भी मैं आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगा और एक सिनेमैटिक वे में दिखाऊंगा। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये है आईफोन 11 128GB वेरिएंट। चलो इसको खोल के देखता हूँ। ऑलरेडी मैंने एक बार खोला है, तो आप इसमें बिल भी देख सकते हो और मैंने इसको सेटअप भी किया है। तो चलो इसको मैं दिखाता हूँ। ये है बिल इसका, जो कि मैंने दिया था रिलायंस डिजिटल, मेरे घर के नज़दीकी जो है वो वहाँ से। और चलो अभी ये पीछे का जो देख रहे हैं कैमरा प्रोटेक्शन, ये भी मैंने लगाया है अलग से। तो चलो अभी आपको दिखाता हूँ इसके में बी रोल्स। इसके साथ हमें मिलता है ये एक चार्जिंग केबल, इसके साथ हमें चार्जर नहीं मिलता है।
तो चार्जर भी अलग से लेना पड़ता है और इसके साथ ये बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल। चलो अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसके बी रोल्स। एक्चुअली मुझे बी रोल्स ही शूट करने थे सारे के सारे, लेकिन जो है मैं आपको बता रहा हूँ अभी शूट करते हैं बी रोल्स स्टार्ट। That's it for this video. ये था मेरा iPhone experience. मुझे करनी थी इसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ और आपको दिखाना था मेरा iPhone 11. चलो अभी ये iPhone की बात हो गई ख़त्म, फिर से आते हैं व्लॉग पे। तो मैं बहुत दिन से ऑफिस जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जाते समय आते समय व्लॉग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह है कि कोई खास ऐसी कुछ ऐसा खास पॉइंट नहीं बन रहा है, कुछ स्टोरी नहीं उसमें रहती है, उसकी वजह से मैं वो वाले वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कल से मैं वही प्रैक्टिस वाले वीडियोस एडिट करके आपके साथ शेयर करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग फॉर व्हाटएवर रीज़न प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर सकते हो, और आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सागर द व्लॉगर साइनिंग ऑफ, टिल देन सुनो सबकी और करो दिल की। बाय फॉर नाउ, पीस पीस पीस।